I hope you all are doing great and welcome back to my YouTube channel. So finally I'm going to give you all a tour of my room and मुझे अफसोस इस बात का है कि हम पहले जिस घर में रहते थे उस घर का मैंने टूर नहीं किया है. तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेरा रूम कहाँ आता है. तो जैसे हम घर में एंटर करते तो ऑब्वियसली हॉल एंड देन किचन एंड देन मेरा फर्स्ट बेडरूम आता है, उसके बाद मम्मी पापा का आता है एंड फिर डॉल का आता है. एंड सबसे फनीएस्ट पार्ट, डॉल मुझे बोल रही थी जब मैंने ये रूम सिलेक्ट किया था कि सौम्या देख ले तूने फर्स्ट रूम तेरा सिलेक्ट किया है, अभी भूत आएगा ना सबसे पहले तेरे को ही पकड़ने वाला है. तो मैंने उसको बोला कि भूत को भी वो स्ट्रैटेजी पता होती है, तो भूत सबसे पहले जो लास्ट वाला रहता है ना उसके पास आएगा और उसको पकड़ेगा पहले. सो एज वी एंटर सबसे पहले आता है वॉशरूम, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी. वो उसको मैंने टर्न किया है क्लोजेट रूम में, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले रूम टूर करते हैं. सो वेलकम टू माई रूम. प्लीज मुझे सबसे पहले बोलने दो कि इग्नोर माई वॉइस, मेरा 2 वीक से गला खराब है एंड अभी तो बहुत वर्स्ट हो गया है, बट देन डू यू हैव टू लिसन टू मी. और सो मैं शेमड़ी हो गई है. तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो ये आता है. ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत एस्थेटिक वाइब देता है. सो आई गॉट दिस फ्रॉम आइकिया एंड ऑल्सो आई गॉट दिस सेट फ्रॉम आइकिया. एंड ये तो शायद से जो मेरी स्टोरीज रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि आई गॉट दिस फ्रॉम दुबई. एंड एवरी टाइम मैं मेरे मन में जब भी विश आती है ना तो मैं ऐसे ऐसे करके विश बोलती हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि कब इससे जीनी बाहर निकलेगा और मैं सारे अपने विशेज मांगूंगी. शायद वो इसलिए डर के बाहर नहीं आ रहा है. ज़्यादा तो चीज़ें मैंने अब तक भरी नहीं है. दिस इज़ माई मेकअप एंड इसमें थोड़ी सी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, इसमें ब्रशेस है, ज़्यादा भी नहीं रखे मैंने. एंड दीज आर माई परफ्यूम्स. मेरे पास इतने ही परफ्यूम्स नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स है बट वो सब मेरे मम्मी के रूम में है बिकॉज मम्मी का भी सेम ऑब्सेशन है परफ्यूम्स को लेके. तो मेरी मम्मी भी सारे परफ्यूम्स उठा के लेके जाती है, मैं भी उधर से थोड़ा बहुत लाती हूँ. तो बहुत सारे परफ्यूम्स वहाँ पे एंड दीज आर माई वॉच कलेक्शंस जो कि मैंने इसमें रखा है बिकॉज खोते रहते हैं वॉच. और मुझे मम्मी ने बोला है कि अगर तू ये सारे खोएगी ना तो तुझे नेक्स्ट वॉच जो चाहिए ना वो मिलेगा नहीं. सो या लेट्स मूव ऑन. ये इसमें मैंने थोड़े बहुत गेम्स रखे हैं, मतलब थोड़ा सा तो खाली है ये. सो दीज आर फ्यू गिफ्ट जो मुझे मिले हैं और कुछ गिफ्ट और मेरे वार्डरोब के अंदर है. एंड ये वाला मुझे रेमी से मिला है जिसका पैकेज कितना क्यूट है. तो इसमें उसने मुझे दिया था 3 बंदर जो मुझे रखना है यहाँ पे, बट फिलहाल मैंने अंदर ही रखा है बिकॉज यू नो गिर के फूट ना जाए, इसलिए मैंने इसको अंदर ही रखा है. तो ये 3 बंदर है, आशमा, डॉल, काजल. ये थी तो डिसाइड कर ले तो कौन सी है. मैं नहीं हूँ उसमें. ये परफ्यूम मुझे कीकी से मिला है जो कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि उसने दिया है एंड मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे रखा बिकॉज ये मुझे बहुत ओकेशनली ही यूज करना है. एंड ऑल्सो ये वाला एक जो गिफ्ट मिला था वो फूड गया है. सो मैंने सोचा है कि मैं इसको ड्रॉ करती हूँ. बचपन में मिला था, बचपन में मिला था तो मैंने सोचा मैं इसको ड्रॉ करूंगी, जब टाइम मिलेगा तब करूंगी. एंड ऑल्सो आई गॉट दिस परफ्यूम फ्रॉम माई फ्रेंड बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. सो लेट्स मूव ऑन. बट ऑल दैट गिफ्ट्स हैव अ डिफरेंट प्लेस फॉर मी. लास्ट इसमें मैंने अपने सारे बैग्स रखे हैं, मतलब ये सारे बैग्स नहीं है, मेरे पास और बैग्स हैं और इन कॉमन भी बैग्स हैं डॉल के साथ. तो उसका स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें ही रखे हैं. मुझे यहाँ पे फिलहाल इतना ही रखना है, मेरा ये भी नहीं जा रहा था, मैं ऐसे करके रखा. मैं नहीं चाहती हूँ बैग्स खराब हो. सो ये वही है. और सबसे मेरा फेवरेट इसमें से अब के लिए है ये वाला जो मैंने रिसेंटली लिया है एंड ये वाला. एंड मेरा ये वाला भी बहुत फेवरेट है जो कि आपने बहुत देखा होगा, मैंने एक टाइम पे इसको बहुत यूज किया था जो मुझे डॉल ने गिफ्ट किया है. एंड ऑब्वियसली ये जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है, मेरा फर्स्ट लग्जरी बैग बोल सकते हैं. हाँ ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ये प्लांट है जो डॉल ने बहुत अच्छा सा गार्डन सजा के रखा था और मुझे देखा नहीं जा रहा था कि मेरे रूम में कुछ भी नहीं है. तो मैंने एक प्लांट उठा के लाया है यहाँ पे. उठा के नहीं लाया, चोरी किया है. नहीं यार, उठा के लाया है. और मुझे ना रूम में कुछ लिविंग थिंग्स चाहिए थे तो अभी ये लाने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ कम्प्लीट है. तो ये वाइब भी बहुत पीसफुल देता है.
तो सबसे बड़ा रीजन ये रूम सिलेक्ट करने का यही था, जब हम ये प्रॉपर्टी देखने के लिए आए थे और मैं कंपास लेके घूम रही थी बिकॉज मुझे डायरेक्शन जानना था। एंड जैसे मैंने ये रूम पहले एंटर किया एंड डायरेक्शन देखा कि यहाँ से सनसेट होता है, देन आई वॉज लाइक कि मुझे ये वाला प्लीज ये वाला ये रूम दे दो। एंड यहाँ पे बहुत प्यारा सनसेट होता है बिकॉज सामने कोई ब्लॉकिंग व्यू नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे मम्मी डैडी और दीदी हम जब सनसेट होता है तब यहाँ पे बैठ के कॉफी पीते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, तो बहुत प्यारा होता है। एंड यहाँ पे मैंने ड्रीम कैचर भी लेकर आया है जो कि बहुत अच्छा लगता है। एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन ऑनलाइन, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम कैचर्स थे तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, सो आई गॉट दिस। एंड इफ यू ऑल वॉन्ट टू एड सम डेकोरेटिव आइटम्स इन योर रूम, सो अमेजोन बेस्ट है एक्चुअली। ये रोज गोल्ड कलर का है बट आई डोंट नो व्हाई कैमरा में वो रोज गोल्ड नहीं दिख रहा है, वो ग्रे लग रहा है, आई डोंट नो। तो हमारा पुराना जो घर था वहाँ पे हमने डी डेकोर के कर्टन्स लगाए थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, इस बार बजट फ्रेंडली सोचा एंड वी गॉट दिस कर्टन फ्रॉम रैंडम कर्टन स्टोर्स। एंड हमने सोचा कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। सबसे पहले मेरी मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी ये बनवाने के लिए बिकॉज मेरी माई मम्मा वॉज लाइक अगर तुझे पेंटिंग लगाना है तो तेरा फेस चाहिए इसके ऊपर, आई डोंट नो। तो मैंने पापा को बताया कि मेरा ऐसा ऐसा आइडिया है, मुझे कॉर्नर ऐसे करना है, ही वॉज द वन जो मुझे एवरी टाइम सपोर्ट कर रहे थे पापा। सो आई गॉट द शैंडेलियर फ्रॉम आइकिया एंड इसमें वो फ्लावर्स नहीं है, वो फ्लावर्स मैंने ऐड किए हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा लुक देता है आई गेस ये पूरे रूम को यही पेंटिंग। आई गॉट दिस फ्रॉम दुबई, जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गई थी तब मैंने सोचा था कि ये मुझे परचेस करना है बट उस टाइम मुझे एक्सपेंसिव लगा एक्चुअली है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने मम्मी को कैसे तैसे मना की मैंने आई गॉट दिस। एंड ये नेवर डाइंग रोज है जो कि मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूंगी, मैं उसको ऊपर वहां पे रखूंगी, वो सेक्शन में आपको दिखाती हूँ बिकॉज हमारे घर में ऐसी सेंसिटिव चीजें रहती नहीं है ज्यादा देर तक। एंड ऑल्सो मैं इसको चिपका के भी नहीं रख सकती बिकॉज ये टेबल छोटा है, मुझे यहाँ पे स्टडी करना रहता है, एज यू ऑल नो आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। तो ये ड्रॉर है जो मैंने बनवा के लिया है, ये किसने रखा इधर? मुझे ना इससे गाने सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसको ऐसे कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मेरे सारे बुक्स है कॉलेज के एंड ये मेरा आईडी कार्ड इन पाउच है, यहाँ पर भी मेरे बुक्स है कॉलेज के, ये कुछ बहुत स्पेशल है। इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो वॉट इज दिस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसमें जो पेपर है वो मैंने जब मैं छोटी थी लाइक आई डोंट रिमेम्बर माई एज एग्जैक्टली, मैं शायद फोर्थ स्टैंडर्ड में थी तब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, लाइफ रूल्स लिखे थे एंड उसमें से शायद मैंने एक तोड़े है शायद, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे देखना है। तो ये मैंने अच्छे से रखा था पुराने घर में, ये एकदम किजोरी में था बट यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रखा है। सो लेट मी नो अगर आपको जानना होगा उसके बारे में, तो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। यहाँ पे वॉल मोल्डिंग डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, मैंने यही सोचा था कि अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। एंड यहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था ये डिजाइन जो पिंक शेड में ही था तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड सो आई डिसाइडेड इसको ऐसा करते हैं। एंड मूविंग ऑन टू माय बेड, मेरा मैंने सोच के ही रखा था कि मैं जब भी नेक्स्ट बेड करूंगी, पता नहीं था कब करने मिलेगा। तो ये बनी वाला है बेड, ये बेड का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आई वॉन्टेड टू बी इन ग्रे कलर बट देर वॉज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड द कॉन्ट्रैक्टर, उनको लगा कि ये मुझे पिंक कलर में चाहिए ताकि मैं एक्चुअली बोल रही थी कि पिंक पे ग्रे बहुत अच्छा लगेगा एंड ही थॉट कि मैं इसको भी पिंक ग्रे करने वाली हूँ इस वॉल को, ही थॉट पिंक। तो मैंने जो पिक्चर भेजा था पिंटरेस्ट से बेड का वो पिंक शेड में था तो उन्होंने पिंक करके दिया, बट एनीवेज ये क्यूट लग रहा है एंड इफ आई वांट टू चेंज आई कैन चेंज इट, कभी भी उन्होंने बोला है, सो आई हैव डिसाइडेड कि आफ्टर वन ईयर आई एम गोइंग टू चेंज दिस इन ग्रे कलर। इसमें मेरे आधे कपड़े हैं पूरे बेड के नीचे, मेरे सारे विंटर्स के जो नहीं कि ज्यादा स्टोरेज लेते हैं वैसे सारे कपड़े मैंने इसके अंदर रखे एंड आई हैव अ चार्जिंग पॉइंट हियर, सब आइकिया से ही लिया है और बनवा के लिया है तो ये दोनों में से ही है सब कुछ। आई गॉट दिस फ्रॉम आइकिया एंड ये
अलार्म क्लॉक, ये भी मैंने आइकिया से ही लिया है। यहाँ पे मैंने सारे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हैं एंड ये कप, इसके अंदर मैंने सोचा है कि जो भी अच्छी अच्छी चीज हो रही है मेरे साथ, वेदर इट टू बी अचीवमेंट, माई विश जो कम्प्लीट हो रहा है, एनीथिंग, वो मैं चिट्स बना के इसके अंदर रखूंगी। द पर्पज ऑफ दिस इज ओनली टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगलेक्ट नेगेटिव थिंग्स। ज्यादा कुछ रखा नहीं है, प्रेजेंट के लिए मैंने बस अपने मेडिसिन रखे है एंड थोड़ा सा है सिनेमिनॉल एंड अ क्यूट डॉल। इसके अंदर भी मैंने कुछ खास रखा नहीं है, जस्ट एक्सटेंशन एंड ऑल वायर्स। यहाँ पे मैंने बड़ा सा मिरर रखा है, अभी आप सोचोगे इतना बड़ा मिरर बेड के बाजू में क्यों रखा है, सो लेट मी टेल यू गाइस, डांस मेरा पैशन है एंड डांस प्रैक्टिस के लिए ही मैंने इतना बड़ा मिरर रखा है एंड ऑल्सो स्पेस। मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं कुछ भी करूँ रूम में स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई सिंगल बेड भी बनवाया है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट इज मूवेबल। तो मैं जब चाहूँ तब मैं इसको कहीं पर भी रख सकती हूँ एंड ये स्पेस ऐसे खाली हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू डेकोरेशन डेली करते रहता है मेरे रूम में, डेली आके पॉटी यही करेगा और सुसु भी यही करेगा। आई डोंट नो, ये रूम मेरे लिए रूम है और उसके लिए ये अपना दूसरा वॉशरूम है इसके लिए। तो ये मेरा स्वीट सिंपल सा क्लोजेट रूम है, मैं इसको ज़्यादा मैसी नहीं बनाना चाहती, सो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं किया है एंड घर में टोटल 3 वॉशरूम थे तो हमने सोचा कि 3 वॉशरूम 4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 सफिशियंट है, सो आई डिसाइडेड कि इसको मैं क्लोजेट रूम बना देती हूँ और स्पेस का भी टेंशन चला जाएगा। इसे चेंज करने का मन नहीं कर रहा है मुझे एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत क्यूट लग रहा है एंड आई गेस मुझे ये यहाँ यहीं पे रखना चाहिए, ये बहुत क्यूट है। मेरे सारे कपड़े हैं इसके अंदर, लकीली सब कुछ फिट हो गया है एंड बहुत अच्छे अरेंज करके मैंने अपने कपड़े रखे हैं एंड मेरी मम्मी बहुत खुश है उसके लिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मेरी एक्सेसरी सॉक्स एंड ऑल वो सब है थोड़ा थोड़ा एंड इसके अंदर सिर्फ ब्रालेट्स है जो मैंने बहुत रैंडमली रखे हैं। इसके अंदर सारे वैसे टॉप्स है जिसका कोई शेप नहीं होता है, जिसको हम अच्छे से रख नहीं पाते। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है इमरजेंसी के लिए, ये सब मैं ट्रैवल वाले सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे मेरे पुराने फ़ोन के कवर्स हैं जो कि मैं अपने फ़ोन को बहुत मिस करती हूँ, मैंने बहुत क्यूट क्यूट कवर्स लिए थे, अब ये सारे कवर्स जाएंगे डॉल के पास। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे ही शूट करना है बिकॉज डॉल पहले शूट करती है, लाइक मैं नहीं आऊँगी, अब सब तूने मिरर मिरर करके रखा है। ऊपर भी स्टोरेज है, वहाँ पे मैंने अपने एथनिक वेयर रखे जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेकोरेशन किया नहीं है, मुझे करना है एंड आई एम स्टिल थिंकिंग, तो मैंने सोचा रूम टूर के लिए बहुत लेट हो रहा है तो आई डिसाइडेड कि मैं रूम टूर कर लेती हूँ। एंड लास्टली ये नियॉन लाइट है जिसका अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है एंड वहाँ पे लिखा है इट वॉज ऑल अ ड्रीम बिकॉज दिस वॉज ऑल अ ड्रीम, आई एम ऑल ग्रेटफुल फॉर इट एंड थैंकफुल एंड ये सब कुछ हुआ, आई नो इट इज बिकॉज ऑफ गॉड। या डोंट फॉरगेट दिस टाइम, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डू लेट मी नो बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। जब से डॉल ने स्किन केयर अपना वीडियो बनाया तब से आप कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो माई स्किन केयर, सो डू लेट मी नो एंड मैं हमेशा फ्राइडे या सैटरडे को रेगुलर वीडियो पोस्ट करती जाऊंगी यूट्यूब पर, तो कुछ भी मिस आउट नहीं करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। And I love you all.